दोस्तों, मालदीव के कुछ नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर चले गए, पर क्या आपको पता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली कहावत यहाँ सच हो गई, क्योंकि इन तीनों की वजह से जो रायता फैला है उसको मालदीव सरकार समेट नहीं पा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 लाख मालदीव की आबादी और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक #boycottmaldives ट्रेंड करवा चुके हैं। ऐसे में मालदीव की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताना चाहेंगे कि अब तक 8,000 लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2,500 फ्लाइट टिकट भी कैंसिल हो चुकी है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, भारत के अच्छे दिन का तो नहीं पता, लेकिन मालदीव के बुरे दिन जरूर आ चुके हैं अगर ये बॉयकॉट ऐसे ही चलता रहा तो। सेलिब्रिटी जो मालदीव में छुट्टियां मनाने जाया करते थे अब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हार्दिक पांड्या से लेकर जॉन इब्राहिम तक क्रिकेट और बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में अपनी बात कही है। आपको बता दें कि ताज ग्रुप जल्द ही वहां पर 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाला है और लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। लेकिन इन सब चीज के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि मालदीव और भारत के बीच ये कलेश आखिर मचा ही क्यों? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ इतना फड़फड़ा रहा है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी का लक्षद्वीप जाना सिर्फ इत्तेफाक था? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये समझाएं कि सभी लोग मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। तो बता दें कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले यानी 17 नवंबर 2023 को मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटीमेंट पर लड़ा था। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब इन दोनों देशों का रिश्ता बहुत अच्छा था और मालदीव के जो पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद शाली थे वो भी भारत के सपोर्टर थे, मगर पीपल नेशनल कांग्रेस पिछले काफी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बना रही थी। अपने इलेक्शन कैंपेन तक में उन्होंने ये बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा हमारे देश भारत का ही करता था, मगर मुइज्जू पहले टर्की गए, फिर एक दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर गए और चीन से ही सारा बवाल लेकर आए हैं। नहीं समझे? मतलब ये कि ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। ऐसा चीन इसीलिए करता है ताकि कमजोर देश उसके एहसान तले दब जाए और उसे वो अपने इशारों पर नचा पाए। आपको बता दें कि चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से मालदीव के दूसरे आइलैंड तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनाया था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश में लगा हुआ है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर इस इलाके में भारत का जो दबदबा है उसे कम किया जा सके। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब ये समझ में आ गया कि वो चीन से लिए अरबों डॉलर का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, तो वो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनका एकमात्र ऑप्शन रह गया है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति और इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी इस तमाशे में अपना जोरदार सहयोग दे रहे हैं और भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। उनकी सरकार के 3-3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। जहर उगलते समय ये लोग भूल गए कि कर्जा भले चीन ने दे दिया है, पर मालदीव का इतिहास भारत से जुड़ा है और इनका टूरिज्म भी भारत के वजह से ही चल रहा है, नहीं तो इनका अस्तित्व मिटाने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए हैं। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी भारतीय ही होते हैं। यहाँ तक कि मालदीव देश भारत के दिए हुए डॉक्टरों और टीचर्स के भरोसे चल रहा है। वहाँ पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए थे। इतना ही नहीं, कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात हो गए थे, तब कोई और नहीं भारत ने ही 25 करोड़ डॉलर की उनकी मदद की थी। और जब बात मालदीव के इतिहास की आ ही गई है तो आपको बताना चाहेंगे कि मालदीव शब्द भारत से ही लिया गया है और लक्षद्वीप भी भारत से ही लिया गया है। जिनका खुद का नाम तक नहीं है वो भी अपनी जबान दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।